सो गाइस, आज तो है रक्षाबंधन, तो मैं रेडी वेडी होके बैठा हूँ, देखता हूँ कि कब राखी बांधा जाएगा। सो आज मैं काफ़ी इन्जॉय करने वाला हूँ और दो तीन जगह जाऊँगा हो सके तो। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। कुछ राखी के बारे में भी मैं स्पेशल बताने वाला हूँ आज, मेरे को जो फील होता है, मेरे को जो लगता है। सो आज का कॉन्सेप्ट कुछ अलग होने वाला है, कुछ नया है, और मैं इस साल थोड़ा सा डिफरेंट वे में राखी सेलिब्रेट करने के बाद आप लोग के साथ कुछ शेयर करूंगा। सो मैं तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो को देखें कि क्या मैं बताने वाला हूं। सो अभी मैं चलता हूं, वेट करता हूं राखी बांधने का, वो बंधवाने का, नॉट बांधने का, रखवाया राखी बंधवाने का। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, मेरा थाली जो है वो रेडी हो चुका है और इतना सारा मिठाई है मेरे लिए, और मैं तो मिठाई लवर हुई। भगवान को मम्मी बांधती है। उसके बाद ही हमारे घर में राखी पहना जाता है। देखिए अपने तो मिठाई थोड़ा रुक।
तो गाइस राखी तो अब हो गया, अब बहुत जोरों से भूख लगा है, तो स्वाद राखी स्पेशल है, तो स्पेशल से स्पेशल ही खाना बनेगा। तो लेट्स सी हम लोग के घर में स्पेशल क्या बना है आज। सी आज बना है हम लोग के घर में ये छोला का सब्जी, पूड़ी और ये है सेवई। तो स्पेशल ही बनता है राखी जब है, तो राखी के दिन स्पेशल चीज़ें अच्छे लगते हैं। तो गाइस सॉरी फॉर दैट कि मैं ये खाना खा रहा हूँ आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये जल्दी से खाना भी ना खा के उसके बाद मुझे एक जगह और निकलना है, दीदी के घर जाना है। तो सो फिर हम लोग वहाँ पे मिलते हैं, तो तब तक कि मैं खाना खा लेता हूँ। थैंक यू। सो मैं अच्छे से अब रेडी हो गया, मास्क वास्क लगा लिया और मैं निकलता हूँ स्कूटी से अपने। वीडियो कट तो रहा हूँ, कीजिए हम क्या पापा कभी ले लो मीडिया जी पानी पिला रहे हैं। अरे उनको खाने दो ना, दवाई दे ठूस देंगे। कितने पिलाएगा? वीडियो बना वो ऑलरेडी मुंह में पूरा फुला के रखे हुए सब उसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अरे मामा नहीं खिलाए क्यों भी जगाती है राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे अपनी दीदी को ना भुलाना। सो मैं अपने घर आ चुका हूँ, आज मैंने काफी एंजॉय किया राखी, और मैंने राखी भी बंधवा दिया, बहुत सारे मिठाई भी खा लिए। सो यहाँ पे मैंने दो चीज तीन चीज कॉन्सेप्ट इस वीडियो में दिखाया है, जहाँ पे मेरी बहन ने मेरे पापा को भी राखी बांधा और मैंने भी अपनी बहन को राखी बांधा। इसका मतलब होता है कि रक्षाबंधन जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो होता है कि हम लोग किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब रक्षा करते हैं, तो वो हमारे साथ एक धागे में बन जाता है जस्ट इसके लिए। तो रक्षा करना मतलब कोई भी किसी की भी रक्षा कर सकता है। सो जैसे मेरे पापा मेरी बहन को रक्षा करते हैं, जैसे मैं अपनी बहन का रक्षा करता हूँ, तो उन लोग उसने मेरे मुझे और मेरे पापा को राखी बांधा, और कहीं कहीं पे मेरी बहन मुझे प्रोटेक्ट करती है तो मैंने भी राखी बांध दिया। सो ये जो कॉन्सेप्ट है राखी का, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और जैसे कि हम लोग जो रक्षा जो हमारे पर्सन है वो हमारे लिए रक्षा करते हैं, हम उनके साथ ये सेलिब्रेट कर सकते हैं। इवन हस्बैंड जैसे वाइफ की रक्षा करते हैं, तो वाइफ ऑल्सो राखी बांध सकती है हस्बैंड को। मेरे को नहीं लगता है ये गलत है। आज फेसबुक पे मैंने देखा दो तीन पोस्ट वगैरह, सॉरी वो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ, मैंने देखा तो ये थोड़ा सा, तो मेरे को लगा कि कोई भी किसी की रक्षा करे तो वहाँ पे हम लोग ये रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं।
तो जैसे जवान होते हैं वो हमारे बॉर्डर पे हमारे देश के लिए खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो कई बहनें जो होती हैं वो जाके उनको राखी बांधते हैं। तो हम लोग भी उनको राखी बांध सकते हैं। तो खैर मुझे कोई मिला नहीं यहाँ पे, तो मैंने बांधा नहीं, नहीं तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करता ये चीज़। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम देखता हूँ ये शेयर हो सके तो करूँगा। और ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है कि अगर सही हो ये कॉन्सेप्ट तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए चीज़ों को हम लोग और भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।